लता की हालत देखी बहुत अफसोस हुआ। क्या हुआ? अरे उर्वशी, उर्वशी दारी, ये पेंटिंग किसकी है? बेटी, ये पेंटिंग तो उर्वशी की है। उर्वशी, तुम? हाँ मैं। तो फिर सच्चाई क्या है? मेरी शादी की सालगिरह के रात मुझे कत्ल कर दिया गया था। उर्वशी, नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में विश्वास कर लूंगी? कभी नहीं। विश्वास तुम्हें करना ही पड़ेगा। कैसे कर लूं विश्वास? मर के इंसान कभी जिंदा होते हैं? इंसान मर के जिंदा नहीं होते, मगर जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी आत्मा भटकती रहती है। अकाल मृत्यु? लेकिन तुम्हारी मौत तो हार्ट फेल से हुई थी ना उर्वशी? मगर सच्चाई कुछ और है। तो फिर सच्चाई क्या है? मेरी शादी की सालगिरह की रात मुझे कत्ल कर दिया गया था। क्या? कत्ल? मेरा कत्ल हुआ था। हाँ रेशमा, ये वो कत्ल था जिसमें शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची और ना ही कोई खून निकला, बस जान चली गई। कौन है ऐसा करने वाला? कौन है आपका कातिल? ये समझने के लिए तुम्हें शुरू से सारी बात समझानी पड़ेगी। तुम तो जानती हो कि गुडविल कोऑपरेटिव बैंक की नींव मेरे ससुर श्री नलिन मेहता ने रखी थी। ये जो बैंक है ये गरीबों के पैसों से बना है और इस बैंक ने मेहता खानदान को इतनी कामयाबी दी जिसका फायदा आज सुरेश मेहता उठा रहा है। आपको क्या लगता है मिस्टर सुरेश मेहता जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो एक अच्छी जिंदगी है? विदेशी शराब का सुख रोज रोज कितने लोगों को नसीब होता है, और ऐसे कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठते हैं और दो दो नौकर उन्हें आके संभालते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। क्या ये सुख की जिंदगी नहीं? मिस्टर सुरेश मेहता इतने अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी ऐसी हालत? ऐसा तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम सुरेश मेहता से प्यार करती हो। हाँ, लेकिन आपको कैसे? देखो रेशमा, मैं एक आत्मा हूं। सात पर्दों की तह में छुपा हुआ सच भी मुझे दिखाई देता है। हाँ उर्वशी जी, मैं मिस्टर सुरेश मेहता से प्यार करने लगी हूं, लेकिन आज जो मिस्टर मेहता की हालत है उसका कारण आपकी मौत का वो सदमा है जो उन्हें सालगिरह की रात में लगा था। शायद ऐसा तुम्हें इसीलिए लगता है क्योंकि तुमने उस सुरेश मेहता को देखा है जो दिन रात शराब में डूबा रहता है और जिसकी वजह वो मेरी मौत का गम बताता है। कभी मुझे भी सुरेश पे बहुत नाज हुआ करता था। वो भी क्या दिन थे, बिल्कुल दशहरे और दिवाली की तरह। धीरे से सुरेश, आराम से चलाओ, एक्सीडेंट ना हो जाए। तुम्हारे साथ जिंदगी जीने का जो मजा है ना, उससे ज्यादा मजा मरने में है। अब आपके मरने के लिए हमें भी मरना पड़ेगा क्या? तुम्हें? भाई मेरा कहने का मतलब तो ये था कि ना तो मुझे अकेले जीने की आदत है और ना ही मैं अकेला मरूंगा। छोड़िए भी, ये क्या जीने मरने की बातें लेके बैठ गए? सच सुरेश, तुम्हारे साथ जो जिंदगी बिताई है ना कई जन्मों के लिए काफी है।
सुनो, ये औरत पागल लगती है, अब जल्दी से चलिए यहाँ से। उर्वशी तुम जरा रिलैक्स करो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर क्लब चलेंगे। ठीक है। शर्मा साहब, मैं उर्वशी बोल रही हूँ। हाँ उर्वशी जी, नमस्ते। देखिए शर्मा साहब, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे फादर इन लॉ के दोस्त भी हैं, तो अच्छा यही रहेगा कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, सिर्फ उर्वशी। अच्छा बेटी, ये बताओ कि अचानक फोन कैसे किया? शर्मा साहब, आज एक बड़ी अजीब सी बात हुई। क्या हुआ? मैं और सुरेश गाड़ी में जा रहे थे, एक अधेड़ उम्र की पागल औरत गाड़ी के सामने आ गई और मेहता मुर्दाबाद के नारे लगाने लगी। उसके बाद वो पत्थर उठाने गई, मगर इससे पहले कि वो पत्थर लाती, सुरेश ने गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकाल ली। देखो बेटी, मैंने सुरेश को कितनी बार समझाया है कि गाड़ी खुद मत चलाओ, ये बड़ा होना कोई आसान बात नहीं है। बेटी, बड़ों के दोस्त भी बहुत होते हैं और बड़ों के दुश्मन भी बहुत होते हैं। शर्मा जी, वो सब ठीक है, मगर वो औरत पागल थी। बेटी, उस पागल औरत को भूल जाओ, तुम्हारी परेशानी ये है कि वो औरत मेहता मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। हाँ। देखो बेटी, इस शहर में न जाने कितने ही मेहता सेठ हैं, और अगर तुम्हारा इशारा नलिन भाई मेहता से है तो बेटी, मैंने उन जैसा बढ़िया और अच्छा नेक इंसान आज तक नहीं देखा। फिर भी शर्मा साहब, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात का पता लगाएं। ठीक है बेटी, मैं पता लगाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना और इसे एक हादसा समझकर भूल जाओ। ठीक है, ओके, रखता हूँ। उर्वशी जी, वो औरत कौन थी? एक दुखियारी थी, किसी खास सदमे से पागल हो गई थी। अभी कुछ महीने पहले शीत लहर की चपेट में आ गई और उसकी मौत हो गई। हाँ, तो मैं कह रही थी कि शर्मा जी उस औरत का पता नहीं लगा सके। एक दिन मैं गाड़ी में जा रही थी, ड्राइवर गाड़ी मोड़ो। अरे फिर पता नहीं कहां कहां से आ जाती है। अरे कभी संतरा कभी केला, क्या मांगती है तू? देख देख मेरे को परेशान मत करिया, ले केला, ये केला, बाजू ले तुम बैठो उधर में, दोबारा कभी आना मत इधर में, इधर की तरफ से चली आती है, मेरा सारा सामान खराब कर दी, कोई कस्टमर आएगा नहीं मेरे पास में। कहिए मैम साहब, क्या चाहिए आपको? मैम साहब,
मैम साहब क्या चाहिए आपको? मैम साहब कहीं आप उस पगली को तो नहीं देख रही हैं? तुम इसे जानते हो? उस पगली को? हाँ मैं भली भांति जानता हूँ मैम साहब। एक साल पहले की बात है, उसका पति बेचारा मर गया और उसी के गम में वो आज पागल हो गई है। क्या करता था इसका आदमी? मैम साहब मेरी तरह वो छोटा मोटा धंधा करता था, दिन में दफ्तरों में जाकर वो खाना पहुंचाता था। लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाहती हैं? ये अपने पागलपन में बड़बड़ाती रहती है, मेहता मुर्दाबाद, मेहता मुर्दाबाद। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पागलपन का कारण कोई मेहता हो? मेहता? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। इसके पति के मौत का कारण मेहता ही तो है। बहुत बड़ा आदमी है मैम साहब, बैंक चलाता है वो। हाँ मैम साहब, उसका बाप बेचारा कितना शरीफ आदमी था, लेकिन उसका बेटा सुरेश मेहता लोगों के पैसे खींच खींच के बहुत बड़ा आदमी बन गया। अरे मैम साहब इसके पति की बात तो छोड़िए, ना जाने ऐसे कितने पतियों के पैसे उसने हड़प कर लिए। उसने रातों रात न जाने बैंक में इतना बड़ा घपला किया कि उसके चलते न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। इसके पति ने भी जीवन भर की कमाई उसी बैंक में रखी थी और वो सुरेश मेहता भी इसके सारा पैसा खा गया। इसी शोक में बेचारा वो पागल हो गया और मर गया। आज भी वो बैंक चलाता है, बहुत बड़ा कारोबार करता है वो। ऐसा लगता है कि तुम कोई भूल कर रहे हो। मुझे तो लगता है मैम साहब कि आप उसके सगे वाली हैं। ऐसा कीजिए, वो सामने आपको गांव दिख रहा है ना, वहां जाइए। वहां बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और इसकी कृपा से फले फूले हुए हैं। आप जाइए वहां, जरूर जाइए। उर्वशी, 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 पता चला तुम ऑफिस में आई थी, मुझसे मिले बिना क्यों चली आई तुम? I was thinking कि क्लब जाएंगे, डिनर करेंगे, चलो अभी चलते हैं। नहीं सुरेश, मेरा मन नहीं कर रहा। क्या बात है उर्वशी, तुम बहुत बुझी बुझी थकी थकी सी लग रही हो। आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। हाँ पूछो। ये आपने सारे बैंक्स के साथ एक साथ रिश्ता क्यों तोड़ दिया? उर्वशी ये इतनी पुरानी बात तुम आज फिर क्यों दोहरा रही हो? लगता है वो गाड़ी वाला हादसा तुम अभी तक भूली नहीं हो। उस औरत ने जो मेहता सेठ मुर्दाबाद कहकर नारे लगाए थे वो तुम्हारे जहन में अभी तक शामिल है। देखो उर्वशी, मैं दरअसल ये जान गया था कि वो बैंक डूबने वाले हैं और तुम तो जानती हो सुरेश मेहता कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता। और कुछ लोग जिंदगी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर चलने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन हम जैसे लोग सिर्फ ऐश करने के लिए, उनका मातम मनाने के लिए नहीं। खैर मैं क्लब जा रहा हूं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाए तो आ जाना। सुरेश मेहता की तस्वीर जो मेरे मन मंदिर में थी वो गिर के ऐसे चकनाचूर हो गई जैसे किसी छोटे बच्चे के हाथ से खिलौना गिर के चकनाचूर हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, अपने आप पे हंसूं
या अपने आप से नफरत करूं, उसका जो चेहरा मेरे सामने आया उसने मेरे पूरे वजूद को झिंझोर के रख दिया। धीरे धीरे करके सुरेश मेहता की तस्वीरों के रंग बदलते गए और जो चेहरा मेरे सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। एक बात मुझे समझ में आ गई कि सुरेश मेहता की जिंदगी में सिर्फ दो चीजें मायने रखती हैं, बहुत सारी दौलत और बहुत सारी औरतें। I love that. Thank you. Yes. Yeah. Thank you. Love you, girls. Love you. They're blue. Thank you very much. Love you. Thank you very, very much. Okay, ladies. किसी शहर ने बहुत खूब कहा है, उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन, दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। लेकिन भाई मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी जिंदगी के दिन आरजू में या इंतजार में गुजार दें। I'll make sure that we enjoy every moment of it. So should you? Yes. So enjoy. Yes, enjoy, ladies. Come on. Yes, enjoy life. I love you, Suresh. Yeah. Love you. I love Come you. On. नहीं बेटी नहीं, सारी दुनिया भी अगर गंगा में उतर कर ये कह दे तो भी मैं विश्वास नहीं करूं। बेटी मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सुरेश बाहर चैरिटी में कितना पैसा दान करता है। शर्मा जी ये तो बहुत ही बेवकूफों जैसी बात हो गई। ये तो वही बात हो गई कि एक डाकू चोरी करता है, कत्ल करता है, लूट मार करता है और उसी में से थोड़ा सा पैसा दान में दे देता है। नहीं बेटी, लगता है सुरेश के बारे में तुम्हें किसी ने गलत बात बता दी है। लेकिन बेटी मुझे माफ करना, मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं नमक हराम नहीं बन सकता। नमक नमक नमक, आप जैसे कुछ लोग वफादारी का नमक अपनी आंखों में झोंक के अंधे हो जाते हैं। मैं जानती हूं आप कुछ नहीं करेंगे, अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है। चले जाइए आप यहां से, चले जाइए। बेटी जाने से पहले मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कोई भी कदम उठाने से पहले जरा सोच ले, कहीं बाद में फिर पछताना ना पड़े। हेलो, हाँ बोल क्या?
या श्योर या थैंक यू वेरी मच बाय। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्यों, क्या सुना आपने? तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही हो? क्यों नहीं बुला सकती, इतने बड़े आदमी सुरेश मेहता की पत्नी हूँ, खुद एक सोशल वर्कर हूँ, तो क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकती? हाँ हाँ जरूर बुला सकती हो, पर क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा एजेंडा क्या है? बहुत ही सीधा साधा है सुरेश, मैंने तुम्हें बहुत रोकने की कोशिश की मगर तुमने अपना रास्ता नहीं बदला। जिन गरीबों की जिंदगी भर की कमाई तुम एक पल में अपनी अय्याशी में उड़ा देते हो, तब मुझे अपनी चुप्पी से बहुत नफरत होती है। अय्याशी? कैसी अय्याशी की बात कर रही हो तुम? उसी अय्याशी की सुरेश जो तुम अभी अभी करके आ रहे हो। तुम्हें तो शायद ये तक याद नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हारी पत्नी तुम्हारा घर पे इंतजार करे। मुझे एहसास है, तभी तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया हूं तुम्हारे पास। देखो सुरेश, मैं शर्मा जी नहीं हूं जिनकी आंखों पे तुम्हारी वफादारी का काला पर्दा पड़ा हुआ है, और अगर तुम चाहो तो मैं अभी अभी उन सारी लड़कियों के नाम गिना सकती हूँ जो तुम्हें हैप्पी बर्थडे टू यू कह रही थी। और इसीलिए सुरेश मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है जहां मैं सबको ये बता सकूं कि सुरेश मेहता रोज जन्म लेते हैं और रोज मर जाते हैं। नहीं नहीं उर्वशी, ऐसा मत करना प्लीज। उर्वशी, आज पहली बार मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। मैं खुद अपनी नजरों से गिर गया हूं उर्वशी, और सच पूछो तो मेरा शरीर बस वहां था और मेरी आत्मा तो तुम्हारे पास यही थी। उर्वशी मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज बिलीव मी, मुझे एक मौका और दे दो, मैं अपनी गलती को सुधार लूंगा। उर्वशी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। उर्वशी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगा। उर्वशी एक मौका और दे दो प्लीज, मुझे सुधरने का एक मौका और दे दो प्लीज। प्लीज उर्वशी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक, अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती तो फिर मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? सुरेश, खत्म कर लूंगा अपने आप को मैं। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ दो, मार डालूंगा अपने आप को मैं। क्या पागल बनी है? छोड़ो इसे। क्या कर रहे थे तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ? उर्वशी, उर्वशी। रेशमा सुरेश मेहता बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा एक्टर है, उसके सामने तो अच्छे अच्छे एक्टर भी मात खा जाते हैं। तो फिर तो मैं एक सीधी साधी घरेलू हिंदुस्तानी औरत थी, उसकी बीवी थी। मैंने उसे मुआफ कर दिया क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है, और उसने भी अपने आप को पूरी तरह से बदला हुआ दिखाने की पूरी कोशिश की। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उसे किसी मौके का इंतजार है। शायद मनी मन वह मुझसे बहुत डर गया था, और आखिर उसे वो मौका मिल ही गया। वो हमारी मैरिज एनिवर्सरी की रात थी, नीचे हॉल में बहुत सारे लोग जमा थे, और सुरेश मेहता मेरे सामने मिठाई का डब्बा लिए हुए बहुत रोमांटिक मूड में खड़ा था। उर्वशी, मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूं, तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है। तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी में कितनी शांति हो गई है। आज हमारी शादी की सालगिरह है, और ये दिन
हमारी जिंदगी में खुशियों के पैगाम लेकर आएगा। उठो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूं। हाँ हाँ बाबा, मैं जानता हूं तुम मिठाई पसंद नहीं करती, लेकिन आज के दिन तो मुंह मीठा करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खास मिठाई मंगवाई है। That's good. पूरा लो, पूरा लो। Yes. Blow the candles. क्या हुआ? Everything is all right? Then blow the candles. Come on, go ahead. Got the cake. Yes. क्या हुआ? अरे उर्वशी, उर्वशी। यह है सुरेश मेहता का असली रूप। वो दुनिया को दिखाने के लिए देवदास बनता फिरता है, ताकि तुम जैसी भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा सके। मिस्टर मेहता जिस बंगले में रह रहे हैं, वहाँ के नौकर जाकर तो कह रहे थे कि वहाँ जो लड़कियाँ आती हैं, वो वहाँ टिकती नहीं, भाग जाती हैं। सुरेश मेहता के उस बंगले में जितने भी नौकर हैं, उसके खरीदे हुए गुलाम हैं, उसकी नाटक मंडली के किरदार हैं। उर्वशी जी, और मेरे पिता? तुम्हारे पिता बहुत अच्छे हैं, उन्हें अपने मालिक में कभी कोई खोट नजर नहीं आया। मैं उनसे नाराज जरूर हूं, मगर मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है उर्वशी। डैडी आ? हाँ बेटी। बेटी, काश ये सब कुछ मुझे पहले से ही मालूम होता। बेटी, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सुरेश के गुनाहों में मैं भी बराबर का हिस्सेदार हूं। अब सुरेश बैंक से अपना दामन छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, और सारा का सारा इल्जाम बैंक के मैनेजर्स के सर पर जाएगा। द गेम इज ओवर, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। सुरेश मेहता को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बहुत लोगों को बर्बाद किया है उसने, हजारों लोगों के घर, कपड़े, जेवर सब बिकवा दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी शर्मा जी, अगर जिंदा होती तब भी नहीं। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। और ये क्या मेहता साहब लगा रखी है तुमने? कॉल मी सुरेश। नहीं, मैं तो आपको मेहता साहब ही कहूंगी। क्या बात है, आप कुछ बदले बदले लग रहे हैं, आज जल्दी भी उठ गए, और ये नाश्ता? रेशमा, प्यार इंसान की जिंदगी में सब कुछ बदल कर रख देता है। शायद मेरी जिंदगी में प्यार की कमी थी,
प्यार की भूख थी शायद मुझे, इसलिए उर्वशी के गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल खामोश और बिल्कुल खोखला सा हो गया था। पर तुम्हारे प्यार ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मेरी जिंदगी में नए रंग भर दिए। थैंक यू रेशमा, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं मेहता साहब, आप तो इससे ज्यादा के हकदार हैं। आप देखिएगा किस तरह मैं आपकी जिंदगी, आपके पास्ट को आपके सामने दोबारा लाकर खड़ा कर दूंगी। आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ? मैंने कहा था ना, आज मैं आपको एक पुरानी कोठी ले जा रही हूं, क्योंकि आज आप उन चीजों को आखिरी बार देखेंगे, क्योंकि कल वहां कुछ नहीं बचेगा। कल क्या होगा? कल वहां सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया। वो आ गई, आ गई। आ गई बीबी जी, मुझे मालूम था कि आप जरूर आएंगी बीबी जी, जरूर आएंगी। हाँ भैरव सिंह जी, मैं आ गई हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी। अब आप अंदर जाइए, कुछ लोग आने वाले हैं। जी सिंह, दरवाजा खोलो। रेशमा, ये कौन सा खेल दिखाने के लिए लाई हो तुम मुझे यहाँ? सुरेश मेहता,
ये वो खेल है जो तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा। सुरेश, तुम जो देख रहे हो वो भ्रम नहीं, हकीकत है। क्या? लेकिन तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मुझे बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था सुरेश। बहुत दिनों बाद तुम यहां पर आए हो ना। याद है वो यहां की आखिरी रात जब तुमने बड़े ही प्यार से मुझे वो खास मिठाई खिलाई थी? आज मैं यहां तुम्हारे स्वागत के लिए आई हूं। मैंने भी उसी खास मिठाई का इंतजाम किया है तुम्हारे लिए। नहीं, मैं बस इतना ही चाहती हूं सुरेश कि जिस प्यार से तुमने मुझे मिठाई खिलाई थी उसी प्यार से मैं भी तुम्हें मिठाई खिलाऊं। नहीं नहीं ऋषि। हाँ हाँ सुरेश, उसके बाद तुम जिंदगी की कैद से आजाद हो जाओगे। ऋषि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो ऋषि, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम बहुत ही बुजदिल किस्म के इंसान हो, खुद मरना नहीं चाहते मगर दूसरों को मारना चाहते। नहीं सुरेश, अब तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। नहीं नहीं ऋषि, तुम ऐसा नहीं कर सकती ऋषि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। सुरेश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हें किस बात की सजा दे रही हूं। मैं तुम्हारे पापों को दोहराऊंगी नहीं। हाँ, तुम्हारी मौत से बहुत सारे लोग सावधान हो जाएंगे, तुम जैसे लोगों से जो बैंक के नाम पर दुकान खोल के बैठे हैं, जो लोगों को लूटते हैं, उनका घर उजाड़ते हैं। लो खाओ। नहीं नहीं ऋषि, नहीं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई तो दरवाजा खोलो, अरे प्लीज दरवाजा खोलो। ये लो सुरेश। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि मिठाई तुम अपने हाथों से उठाओगे और खुद खाओगे। नहीं नहीं ऋषि, ऋषि मैं मरना नहीं चाहता, तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो ऋषि। नहीं प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज। Oh!
रेशमा, मैं जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो गया है। मैं जा रही हूं, बस तुम पे एक जिम्मेदारी छोड़कर जा रही हूं। ये भैरव सिंह जी हैं हमारे वफादार, बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ आदमी हैं। बस इनका ख्याल रखना।